ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं। लिहाजा मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। हुजूर, आप इस ईद के मौके पर तो हमारे लिए एक कैदी आजाद किया करते हैं। आप आजाद कर दें बराबा को। जी हाँ, और इससे जान छुड़ाएं। हाँ, हमारे लिए बराबा को छोड़ दीजिए। इसे मसलूब करो। तुम इसे कोड़े मारो। तुम किस इंतजार में हो? ये हजरत ईसा मसीह है। तुम इन्हें इस कदर अजीब क्यों देते हो? छोड़ो इन्हें, ये मसीहा है। हजरत ईसा मसीह ने तो कोई गलत काम नहीं किया। मसलूब करो। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि ईसा को मसलूब किया जाए। लिहाजा पिलातुस ने लोगों की फरमाइश के मुताबिक बराबा को छोड़ दिया और हजरत ईसा अल मसीह की मौत का फरमान जारी कर दिया कि आपको मसलूब किया जाए। पीछे हटो। इससे दूर रहो। पीछे हटो। पीछे रास्ते से हट जाओ। रास्ता दो। हट जाओ। तुम रास्ते से हटो। जब मैं कहता हूं कि चलो तो फिर आगे बढ़ो। उठो, उठ जाओ। तुम, तुम्हारा नाम? शमौन करीनी है जनाब। इस तरफ आओ। रस्सियां काटो। तुम ये सलीब उठाओ। चलो आगे बढ़ो। पीछे पीछे हटो। उसे छोड़ दो। आगे बढ़ो, रास्ता दो। पीछे हटो। मालिक, हम आपके लिए रोती हैं। ये पी लीजिए। पी लीजिए मालिक। ख्वातीन यरूशलम, तुम मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि अगर मुझ जैसे हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तुम्हारे साथ क्यों ना होगा। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आगे बढ़ो, इस तरफ। चलो जल्दी जल्दी, अब तुम चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे जल्दी करो। चलो चलो, अब चलो चलो, आगे बढ़ो, जल्दी करो।
इसके साथ ही उठ खड़ा हो। मालिक इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। उसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचाए। अगर तुम ईसा मसीह हो तो अपने आप को बचाओ और स्लीप पर से नीचे उतर आओ। अब हमें कोई अपना मौजा दिखा। हज़रत ईसा अल-मसीह दो डाकुओं के दरमियान मसलूब हुए, और जैसे कि हजारों साल पेशतर एक नबी ने पेशनगोई की थी, ये उसकी तकमील थी। ये कोई आम सी पोशाक तो नहीं है। नहीं नहीं, इसे फाड़िए नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करें। आए इसमें कुर्रा डालें। अरे खुशकिस्मत, इसका क्या करोगे? एक कतबा हजरत ईसा अल-मसीह के सर के ऊपर लटकाया गया, जिस पर लिखा था कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों के बादशाह, अब अपने आप को बचा। क्या तुम खुदा से नहीं डरते?
हम भी तो इसी सजा में मुब्तिला हैं। मसीहा बेगुनाह है। हजरत ईसा अल मसीह अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद फरमाना। वादा है कि तुम आज ही जन्नत में होगे मेरे साथ। दोपहर का वक्त था कि उस सारे इलाके में तकरीबन 3 बजे तक यानी 3 घंटे तारीकी छाई रही। बैतुल मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। परवरदिगार, मैं अपनी रूह तेरे हाथों मैं सौंपता हूं। जब रोमी सूबेदार ने यह माजरा देखा तो उसने ये कहते हुए अल्लाह ताला की तमजीद बयान की के सुभान अल्लाह, यकीनन ये कोई नेक शख्स था। यहूदी मजहबी मजलिस का एक नेक रुकन जिसका नाम यूसुफ इरमितिया था, वो इस कार्रवाई में शरीक नहीं था। उसने पैंतुस पिलातुस से इजाजत चाही कि इससे पहले के गुरूब आफ्ताब से रोजे इबादत यानी हफ्ते के दिन का आगाज हो, हजरत ईसा अल मसीह की तदफीन के लिए उनकी लाश मेरे हवाले की जाए।